24 से ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। आज की ताज़ा खबरों में बोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाते दो गिरफ्तार, ट्रक से 900 पेटी अवैध शराब का कर रहे थे परिवहन। बोड़ा पुलिस ने दबोचा 47 लाख का मसरूका किया जब्त। अवैध शराब की परिवहन एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के हौसले पस्त करते हुए जिला बोड़ा की पुलिस ने एक बड़ी खेप ले जाते आरोपियों को धर दबोचा है। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा लगातार इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रयासरत हैं, जिसके तहत जिले की पुलिस टीम को अलर्ट पर रखा गया था। सूचना मिलने पर तत्काल एक्शन में आते ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अवैध शराब की मुखबिर द्वारा बताए स्थान गुलखेड़ी जोरकुलिया के पास ट्रक क्रमांक HR 69A 4297 पचोर तरफ से आने की सूचना मिलने पर ट्रक को घेराबंदी कर रोका गया। ट्रक में सवार ड्राइवर एवं क्लीनर के नाम पता पूछने पर ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम प्रहलाद पिता बालवीर सिंह जाट एवं क्लीनर ने अपना नाम अमरजीत पिता दयानंद सिंह जाट निवासी ग्राम गढ़ी सिसाना थाना खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा का होना बताया। पूछताछ करने पर वाहन में चोरी की बोरियां होना बताया। क्योंकि मुखबिर की सूचना बिल्कुल सटीक थी, इसलिए ट्रक को चेक करने पर उसके ऊपर से तिरपाल को हटाकर देखने पर चोरी की बोरियां रखी होना पाया, जिन्हें हटाकर देखने पर 900 देसी संतरा मसालेदार शराब कुल 80 नग बोरी कुल मशरूका कीमती 47,20,400 रुपये का मुताबिक जब्ती पत्रक के विविध जब्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवील सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नरसिंह श्री भारत भूषण शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर, उप निरीक्षक प्रवीण जाट, रिंकू जाटव, पवर सिंह, श्याम लाल, राम नारायण, नितेश, इरफान, प्रवीण जाट आदि का विशेष योगदान रहा। वही कार्रवाई में योगदान देने वाली टीम को राजगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा ने 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। राजपाल राठौर और SDOP साहब शर्मा जी के मार्गदर्शन में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई पूरे बोडा स्टाफ के द्वारा की गई है। मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ के कुछ गांव की फितरत पता है कि वहाँ पर बाहर के क्षेत्र से शराब लाकर बेची जाती है, इधर उधर सप्लाई की जाती है। पिछले करीबन 2 साल से जो राजगढ़ पुलिस है, यहाँ जब से बोडा थाना बना है, इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वक्त वक्त पे हमको जो मुखबिर सूचनाएँ प्राप्त होती हैं उस पर भी कार्रवाई होती है, साथ ही समय समय पर हमारे द्वारा जो गांव है वहां पर भी दबिश दी जाती है। इसी सूचना में इनको पता चला, बोडा पुलिस को पता चला कि एक हरियाणा पासिंग जो ट्रक है वो ब्यावरा होते हुए गुलखेड़ी आने की संभावना है और यहां पर इसमें जो भी शराब भरी होगी वो खाली करने का इनकी योजना है। जैसे ही इनको ये सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी बोडा और उनका पूरा स्टाफ जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रवीण जाट, PSI रिंकू जाटव, भंवर सिंह, श्यामलाल, राम नारायण, वीरेंद्र रावत, सुनील यादव, नितेश, इरफान, प्रवीण, जीशान, राम खिलावन और साइबर सेल के हमारे शशांक और रवि, इन्होंने इसे एम्बुश लगा के इसकी वक्त वक्त पर लोकेशन ली और जब ये जोड़ पर आया तो इस ट्रक को रोका गया। ट्रक को रोकने पर उसमें दो लोग बैठे हुए थे जो ड्राइवर और क्लीनर थे, एक का नाम प्रहलाद पिता बलवीर सिंह जाट उम्र 38 साल और दूसरा अमरजीत पिता दयानंद सिंह जाट उम्र 24 साल। ये दोनों गढ़ी सोनीपत हरियाणा के हैं। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो पहले इन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया और उसमें जो चूरी भरी हुई थी उसकी जो बोरियां रखी हुई थी उसके संबंध में बताया, बट क्योंकि इनकी सूचना एकदम मजबूत थी और इन्हें पहले से ही आशंका थी कि इस तरह से इसको कवर अप करने का प्रयास किया जा सकता है, तो जब ट्रक को खोल कर देखा गया, उसके जो बोरियां थी वो हटाकर देखा गया तो करीबन 900 जो पेटियां आप देख रहे हैं खाकी कार्टूनों में ये शराब इनको मिली है। इस तरह से करीबन यहां पर 45,000 क्वार्टर हैं जो 8,100 लीटर शराब है। इसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 27 लाख रुपए है
और इसमें एक ट्रक मिला है HR69A4297, इसकी मार्केट वैल्यू करीबन 20 लाख रुपए है। इसमें अभी इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके संबंध में इनका पुलिस रिमांड लेकर अभी और पूछताछ की जाएगी। इसमें जो लोग यहाँ पर सप्लाई चेन में थे, जहाँ पर ये भेजा जाना था वो लोग, और जहाँ से ये भरा गया है, जिन लोगों के द्वारा भेजा गया है, इन सभी को आरोपी बनाया जाएगा। जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व होंगे उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरी तरफ से 10,000 रुपये पूरा जो बोर्डा स्टाफ है उसको नगद इनाम दिया जाएगा।